नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पिस्ता खाने से शरीर को होने वाले फायदों के बारे में। पिस्ता खाना सेहत के नज़रिए से बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो पिस्ता भी इन सूखे मेवों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। पिस्ता असल में एक फल होता है, लेकिन इसके बीज को ही खाया जाता है, यानी कि इसके बीज ही असली पिस्ता होते हैं। नमक के बगैर मुट्ठी भर पिस्ता खाने से सेहत को ढेर सारे फायदे होते हैं। पिस्ता का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, मिठाइयों आदि में इसका स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी ड्राई फ्रूट है। यह ताकत देने वाला और पौष्टिक गुणों का खजाना है। तो आइए जानते दोस्तों, पिस्ता खाने से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। पिस्ता में विटामिन B6 नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जो खून में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर आप पिस्ता को रोजाना खाते हैं तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हीमोग्लोबिन की मात्रा में भी बढ़ोतरी होती है। पिस्ता को खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। यह उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है जो दृष्टि से संबंधित समस्याओं से जूझते रहते हैं। इसलिए पिस्ता खाने से हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। यह हमें मस्कुलर रोग से भी आंखों को बचाता है। पिस्ता के सेवन से डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रहते हैं। सिर्फ एक कप पिस्ता को खाने से हमारे शरीर के लिए जरूरी दैनिक फास्फोरस की 60% की मात्रा को पूरा किया जा सकता है, जिससे अगर आपको डायबिटीज 2 है तो उससे सुरक्षा मिलती है। पिस्ता में मौजूद फास्फोरस प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज के सोखने की क्षमता बढ़ती है। पिस्ता के सेवन से इसमें पाए जाने वाले विटामिन B6 ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ाता है। DWBC या सफेद रक्त कण कई प्रकार के इन्फेक्शन और कैंसर के रोकथाम करने में आपकी सहायता करती हैं। इसलिए पिस्ता को नियमित रूप से खाने पर आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचे रहती हैं। बालों की समस्या को दूर करने में पिस्ता बहुत ही लाभकारी है। इसमें फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, उन्हें घना करता है। इसके इस्तेमाल से हेयर मास्क भी बनाया जाता है, जो बालों की गहराई से मॉइस्चराइज करता है और बालों को पोषण देता है। पिस्ता के सेवन से दिल हेल्दी रहता है और आपके दिल की बीमारियां नहीं होती। नियमित रूप से पिस्ता खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL का लेवल कम होता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL का लेवल बढ़ता है। यह मसल्स की ताकत को बढ़ाकर दिल को मजबूत करता है और बीमारियों से बचाता है। पिस्ता में विटामिन B6 नर्वस सिस्टम के लिए बहुत लाभकारी है। अमीन तंत्रिका तंत्र में उपस्थित संदेश वाहक कण होते हैं। इसके विकास के लिए अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, जो शरीर में विटामिन B6 की उपस्थिति पर निर्भर करता है। पिस्ता में विटामिन ए, विटामिन ई और जलन निरोधी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में किसी भी तरह की होने वाली जलन को दूर करने में सहायता करते हैं। शरीर को बीमार से बचाने के लिए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत होनी बहुत जरूरी है। पिस्ता में विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यह खून बनाने और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की मददगार होता है। पिस्ता में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपको हमेशा जवान बनाए दिखने में मदद करता है। इसमें मौजूद तेल आपकी स्किन को हमेशा नमी प्रदान करता है और उसे ड्राई होने से बचाता है। विटामिन ई से भरपूर होने के साथ ही फैट में घुलनशील होने की वजह से पिस्ता आपकी स्किन को सुंदर और हेल्दी बनाता है। बढ़ती उम्र में पिस्ता का सेवन किया जाए तो यह बहुत फायदेमंद है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो फ्री रेडिकल सेल्स से होने वाले डैमेज से आपकी रक्षा करते हैं। यह फ्री रेडिकल सेल्स आपके स्किन पर बुढ़ापे को जल्दी लाते हैं, जिससे आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। पिस्ता के सेवन से झुर्रियां खत्म होती हैं और आपकी स्किन सॉफ्ट और शाइनी बन जाती है। तो दोस्तों, ये थे पिस्ता खाने के फायदे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां लेकर आएंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन का जरूर दबा देना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।